दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां सुंदरता ऐसी चीजों से तोली जाती है जिन्हें आप अजीब कहते हैं, जिन वजहों से हम खुद को कमतर या फिर शर्मिंदा महसूस करते हैं। पर कई देशों में यही चीजें खूबसूरत और सेक्सी कही जाती हैं। सुंदरता के पैमाने क्या हैं इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग पसंद होती है। हमारे देश में किसी के लिए सुंदरता के मायने गोरा रंग है तो किसी को सादगी सुंदर लगती है। ये मायने भी जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये निर्भर करता है कि आप किस देश में रहते हैं और वहाँ की संस्कृति कैसी है। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ सुंदरता ऐसी चीजों से तोली जाती है जिन्हें आप अजीब या सुंदरता की श्रेणी में रखते ही नहीं होंगे, जिन वजहों से आमतौर पर हम खुद को कमतर या फिर शर्मिंदा महसूस करते हैं। सो आप भी देखिए कि वो क्या चीजें हैं जो आपके लिए अजीब हैं लेकिन लोगों के लिए आकर्षक। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये साइड वाली बेल भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के मोरिटेनिया में ओवरवेट यानी वजनी होना सुंदरता की पहचान है। भारतीय लोगों के हिसाब से अगर लड़की का वजन थोड़ा भी बढ़ जाए तो लोग उसका जीना मुश्किल कर देते हैं कि वजन कम करो नहीं तो शादी नहीं होगी या फिर आप सुंदर नहीं लगोगी। लेकिन उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के मोरिटेनिया देश में पुरुषों को मोटी महिलाएं आकर्षक लगती हैं। अब जानो कि क्यों यहाँ के लोग ऐसी विचारधारा रखते हैं। इस देश में सूखा और अकाल आना बहुत आम बात है, इसलिए यहाँ वजनी होने को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यहाँ लोग मोटी लड़कियों को ज्यादा पसंद करते हैं। लड़कियों को मोटा करने के लिए माता पिता शुरू से ही तैयारी करते हैं। इसके लिए वहाँ अलग से फार्म खोले गए हैं। 7 साल की उम्र में ही लड़कियों को खास फार्म पर भेजा जाता है जहां उन्हें अच्छा और ढेर सारा खाना खिलाया जाता है जिससे उनका वजन बढ़े। कई बार तो माता पिता बच्चों को एक दिन में जबरन 16,000 कैलोरी तक देते हैं। हालांकि अब समय के साथ वहां के लोगों की सोच बदलने भी लगी है। नंबर 2, जापान में यबीवा यानी टेढ़े मेढ़े दांत होना। हम सभी लोग मानते हैं दांत अगर एक सार हो तो तभी सुंदर लगते हैं, और शायद हम में से कोई नहीं चाहेगा कि उसके दांत टेढ़े मेढ़े हों। और शायद आपकी नजरिए से भी सभी दांत सीधे और एक सार हो तभी कोई मनुष्य सुंदर लग सकता है। लेकिन जापान में सुंदर दांत का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े दांत। वैसे कुछ लोगों पर ऐसे दांत वास्तव में अच्छे दिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी, याद है ना आपको? अगर आपको नहीं याद है तो वीडियो के बाद गूगल कर लेना, बहुत सारी फोटोज उनकी मिल जाएंगी। जापान की महिलाओं पर यही टेढ़े मेढ़े दांत होना, इसी को खूबसूरती कहा जाता है और इसको जापान में यबीवा कहा जाता है। नंबर 3, कई अफ्रीका देशों के आदिवासियों के शरीर पर ब्लेड से किए गए हैं घाव। किसी भी सुंदरता में अगर दाग होते हैं या कोई चोट का निशान हो तो उससे निजात पाने के लिए लोग प्लास्टिक सर्जरी तक करवाते हैं। आप भी भली भांति जानते होंगे इस बात को, लेकिन शरीर पर घाव देना कई देशों की प्रथा भी है। अफ्रीका के गुनिया से लेकर कई देशों में महिलाएं और पुरुष इस दर्द भरी प्रथा से गुजरते हैं। महिलाएं अपने धड़ और छाती पर दाग लगवाती हैं क्योंकि इसे अफ्रीका की इस जनजाति में काफी आकर्षक माना जाता है। ये दाग एक महिला की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक और धार्मिक भूमिका और उनके वंश को भी दर्शाती है, इसलिए यहाँ के लोग इस परंपरा को फॉलो करते हैं। नंबर 4, अफ्रीका के फूला आदिवासियों में चौड़ा माथा। आमतौर पर महिलाओं के लिए चौड़ा माथा अच्छा नहीं माना जाता है और जिनके होते भी हैं वो उनको बालों से ढकने की कोशिश करती हैं। लेकिन अफ्रीका के फूला आदिवासी सामने से बाल काटते हैं जिससे माथा चौड़ा और ऊंचा लग सके, ये वहाँ का एक चलन है। ऐसा ही मध्ययुगीन यूरोप में भी देखा गया था, वहाँ की महिलाएं भी ऐसा ही करती थी। नंबर 5, म्यांमार और थाईलैंड में रहने वाली कायन जनजाति की महिलाओं की लंबी गर्दन। म्यांमार और थाईलैंड में रहने वाली कायन जनजाति की महिलाएं अपनी गर्दन में पीतल के मोटे मोटे छल्ले पहनती हैं जिससे गर्दन लंबी हो सके। ये आपको काफी अजीब लग रहा होगा पर इस समाज में लंबी गर्दन होने का मतलब खूबसूरती और समृद्धि से होता है। सो 5 साल की उम्र से लड़कियों को ये छल्ले पहना दिए जाते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है गर्दन में छल्लों की संख्या भी बढ़ती रहती है। इन छल्लों के सेट का वजन लगभग 10 किलो तक होता है। जिराफ ट्राइब भी कहा जाता है जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो देखते हुए अगर आप इतने आगे आ चुके हैं दैट्स मीन कि आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल लग रही है।
रही है। सो दोस्तों, इस मेहनत के लिए हमारी टीम की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो आइए चलते हैं आगे। नंबर 6, दक्षिण कोरिया दिल के आकार का चेहरा। दक्षिण कोरिया में महिलाओं के चेहरे के आकार को बड़ा महत्व दिया जाता है। यहाँ दिल के आकार के चेहरे वाली महिलाओं को सुंदर कहा जाता है। वहाँ जगह जगह पर अपने चेहरे को बेहतर बनाने के लिए विज्ञापन लगे होते हैं, जैसा कि आप अभी इस होल्डिंग को देख रहे हैं। ऐसी होल्डिंग्स और बैनर आपको कोरिया में बहुत जगह मिलेंगे। इस आकार को पाने की इतनी ललक है कि महिलाएं जटिल जटिल ऑपरेशन करवाती हैं, जिसमें अक्सर जबड़े की हड्डियों को 3 भागों में तोड़ा जाता है और बीच का भाग निकालकर बाकी दोनों भागों में जोड़ दिया जाता है, जिससे थोड़ी नोकीली लगे। इस तरह के ऑपरेशन के बाद एक लंबे समय तक व्यक्ति ठोस खाना नहीं खा सकता। बाप रे, इतना मुश्किल ऑपरेशन! सच में काफी हिम्मत वाली होती है वहाँ की लड़कियाँ भी। नंबर 7, तजिकिस्तान के कुछ इलाकों में जुड़ी हुई बोहें मीन्स आईब्रो। भारत में तो अगर किसी महिला की बोहें आपस में जुड़ी होती हैं तो उसे अशुभ माना जाता है, लेकिन तजिकिस्तान के कुछ इलाकों में ऐसी बोहें को सुंदरता का पैमाना माना जाता है और ऐसे लोगों को बहुत खुशकिस्मत समझा जाता है जिनकी बोहें जुड़ी हुई होती हैं, और जिनकी बोहें जुड़ी नहीं होती हैं वो मेकअप से उन्हें जोड़ लेती हैं। नंबर 8, इथियोपिया के मुर्सी और सूरी जनजाति की महिलाओं के खिंचे हुए होंठ, और शायद कुछ लोग इसे अंग भंग की दृष्टि से भी देखते होंगे, लेकिन इथियोपिया के मुर्सी और सूरी जनजाति की महिलाओं के लिए यह महिलाओं की परिपक्वता को दर्शाते हैं। यह ये संकेत देते हैं कि वो बच्चा पैदा करने की उम्र में पहुंच गई हैं। ये प्रक्रिया काफी अजीब है। इसमें सामने दिखने वाले नीचे के 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं और फिर निचले वाले होंठ के हिस्से को छेदा जाता है, जिससे वो मिट्टी या लकड़ी का डिस्क या प्लेट झेल सके, जिससे डिस्क को संभालने की वजह से निचला होंठ काफी खिंच जाता है और जैसे जैसे होंठ खिंचता है डिस्क का आकार भी बढ़ता जाता है। इस जनजाति के हिसाब से जितनी बड़ी डिस्क होगी खूबसूरती उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ये महिलाओं की परिपक्वता को दर्शाती है जिससे वहाँ के पुरुष आकर्षक समझते हैं। नंबर 9, इराक में सर्जिकल नाक। ईरान राइनोप्लास्टी यानी नाक की प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाना जाता है। हालांकि ये काफी खर्चीली प्रक्रिया है, फिर भी यहाँ के लोग सीधी नाक के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सीधी नाक को यहाँ के लोग खूबसूरती ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला भी मानते हैं, और हैरानी की बात है कि नाक के इन सर्जरी के लिए लोग इतने सीरियस हैं कि जो लोग सर्जरी नहीं करवा पाते हैं वो सर्जिकल ड्रेसिंग लगाकर घूमते हैं, जिससे लोगों को ये लगे कि उन्होंने नाक सीधी करवाने के लिए सर्जरी करवाई है, मतलब एक तरह का दिखावा। और जो रियल में सर्जरी करवाते हैं वो सॉफ्ट करने के लिए भी बैंडेज काफी लंबे समय तक लगाए रखते हैं। नंबर 10, न्यूजीलैंड की मोवारी जाति की महिलाओं के चेहरे पर टैटू। न्यूजीलैंड में रहने वाली मोवारी जाति की महिलाएं पुरुषों को आकर्षित करने के लिए पारंपरिक तौर पर अपनी थोड़ी और निचले होंठ पर टैटू बनवाती हैं। इस प्रथा को कहते हैं। हर टैटू अलग अलग होता है, जिसमें उनके पूर्वजों का इतिहास छुपा होता है, जिससे उस महिला के खानदान और रुतबे का भी पता चलता है। हालांकि ये महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस प्रथा को निभाते हैं, लेकिन महिलाएं इसलिए टैटू बनवाती हैं क्योंकि निचले होंठ पर टैटू बनवाने से वो ज्यादा भरे नजर आते हैं, और माना जाता है कि ये टैटू जितने ज्यादा भरे होंगे महिलाएं उतनी ही ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो इन सब देशों की खूबसूरत बातों को जानकर बेशक आपको अजीब लग रहा होगा ये कैसी परंपराएं हैं, तो दोस्तों जरा अपने देश के बारे में सोचिए। हो सकता है कि इन देशों को हमारे देश में लड़कियों का कान और नाक चिढ़वाना, मेहंदी लगाना अजीब लगता हो, जबकि ये तो हमारे देश की संस्कृति है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि खूबसूरती को लेकर कि लोगों की सोच इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस देश में रहते हैं और वहाँ की संस्कृति कैसी है। सो हमारे हिसाब से सभी जाति और धर्म की परंपराएं अपनी जगह उचित है। सो आप भी हमें इनसे जुड़े अपने विचार जरूर कमेंट करें। एंड फाइनली, खूबसूरती तो देखने वालों की निगाहों में होती है, और बातें जनों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द बेल एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो सी यू सून एंड बाय।